सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है और अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी 14 दिन के लिए देश में एक बार फिर अधिकांश चीज़ें बंद रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार केंद्र को विश्वास में लेकर जोन पर फैसला करेगी। देश भर में विमान सेवा पहले की तरह बंद रहेगी, यानी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाज़त नहीं मिलेगी। साथ ही हॉटस्पॉट इलाकों में पहले से ज़्यादा सख्ती जारी रहेगी। देश भर में अभी मेट्रो नहीं चलाने का भी फैसला किया है। होटल रेस्टोरेंट लॉकडाउन 4 में भी बंद रहेंगे, साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी रोक जारी रहेगी। हालांकि खिलाड़ियों के लिए कुछ खुशखबरी है, बिना दर्शक अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे। मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे। राजनीतिक आयोजन भी इस लॉकडाउन में नहीं हो सकेगी। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में बस आपसी सहमति से जा सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कई अहम फैसले किए। अब राजस्थान सरकार ही राजस्थान में विभिन्न जोन की दिशा और दशा तय करेगी और साथ ही राजस्थान की जनता के अनुसार, उनकी मांगों के अनुसार कुछ रियायत दे सकती है। और कोटा संभाग की कौन सी खबर रही आज दिनभर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा शहर में आज एक और नए इलाके घोड़ा बस्ती में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। बस्ती के दो बुजुर्गों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले कोटा में आज सवेरे की पारी में मुन्ना कॉलोनी बोरखेड़ा निवासी 31 वर्षीय नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि रामपुरा इलाके की पानवाली गली के एक बुजुर्ग में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन चार नए मामलों को मिला करके अब कोटा शहर में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ करके 323 तक पहुँच गया है। इस बीच कोटा में आज कोरोना से 11वीं मौत भी हो गई है। मृतक 76 वर्षीय बुजुर्ग कोटा शहर के बजाज खान इलाके के रहने वाले हैं। इनकी आज ही जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। दोपहर 2:15 बजे इनको अस्पताल में एडमिट किया गया और 3 घंटे बाद ही इनकी मौत की खबर आ गई। इससे पहले कोटा में कल पहले स्ट्रेचर और बाद में एम्बुलेंस नहीं मिलने के अभाव में कल हुई एक मौत के मामले ने भी आज तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला ने इस पूरे मामले से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को अवगत कराया और बाद में हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए स्टाफ नर्स और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से मुलाकात की। बाद में अस्पताल अधीक्षक ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 3 डॉक्टरों को हटाने के आदेश जारी किए। 1 घंटे तक यहाँ से कोई एम्बुलेंस उसको मेडिकल कॉलेज लेकर नहीं जा पाई। महिला तड़प तड़प कर उसके बच्चों के सामने यहाँ पर मर गई। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हमने अधीक्षक साहब से बात करी है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी सबसे अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये बताएगी नेग्लिजेंसी कहाँ पर है। शाम होते कोटा में एक और बड़ी खबर कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा के हवाले से मिली है। कोटा शहर के कई इलाकों में आज और कल कर्फ्यू की मियाद खत्म होने वाली थी, लेकिन कलेक्टर ने इसे बढ़ा करके अब कर्फ्यू अवधि 22 मई तक कर दी है। आपको बता दें कि कोटा शहर के करीब 1 दर्जन थाना इलाकों के विभिन्न स्थानों पर कई दिनों से लगातार कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन हो रहा है और साथ में वहाँ पर एग्रेसिव सैंपलिंग की जा रही है। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से जुड़े हमारे सहयोगी यूनुस कसाबत। नागौर जिले से प्रवासी मजदूरों का उनके पैतृक गांव जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं बाहरी राज्यों से नागौर के प्रवासी लोग लगातार नागौर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आज नागौर जिले से अजमेर से विशेष ट्रेन आज उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। साथ ही नागौर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 172 तक पहुंच चुका है। आज
10 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं नागौर जिले में प्रवासी मजदूरों का आने का लगातार सिलसिला जारी है, तो वहीं नागौर जिला प्रशासन ने मनरेगा योजना से 1,25,000 लोगों को योजना से जोड़ा है। नागौर जिले में बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों के सैंपल लेने के बाद 10 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग पाए गए। नागौर के बासनी में 5, डैम में 2, मकराना तहसील में 2, छिल्ला में 1 शख्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपल लेने की कार्रवाई जारी है। अब तक 8,379 सैंपल लिए गए हैं। अब तक 172 कोरोना संक्रमित लोग नागौर जिले में पाए गए हैं, जिसमें से 116 जने मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं नागौर जिले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन अजमेर से आज रवाना हुई, जिसमें अजमेर के साथ नागौर शहर में लंबे समय से फंसे 42 श्रमिकों को भी इसमें जगह मिली। वहीं बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों को अब मनरेगा योजना से जोड़ने के काम भी शुरू हो गया। 463 ग्राम पंचायतों में 4,000 से भी अधिक कार्यों की मंजूरी मिलने के साथ ही अब 1,25,000 से अधिक श्रमिक वर्तमान में जॉब कार्ड के जरिए मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं। नागौर जिले में मनरेगा काम शुरू होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के तहत अब ग्रामीणों को बड़ी राहत सरकार की ओर से मिली है। अजमेर से श्रमिकों की स्पेशल ट्रेन आज उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। वहीं नागौर में बाहरी राज्यों से आए 10 कोरोना पॉजिटिव शख्स जांच में पाए गए। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन 10 लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग लेने का काम जारी है। चलिए अब रुख करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। कोरोना संक्रमण की भयंकर गिरफ्त में फंसे उदयपुर जिले में आज लगातार 8वें दिन भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला रहा जारी। आज कुल 18 कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 380 के पार। आज सामने आए कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7 मरीज प्रवासी मजदूर हैं और हाल ही में बेंगलोर, मुंबई और दूसरे राज्यों से लौटे हैं। उदयपुर जिला पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में है। पिछले 8 दिनों से जिले में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज जिले के विभिन्न इलाकों से 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 380 के पार जा पहुंचा। आज सामने आए संक्रमित मरीजों में से 7 जिले के ग्रामीण अंचल कानौड़, सलूम्बर और सराड़ा में मुंबई और बेंगलुरु से आए प्रवासी नागरिक हैं। उनके पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घरों पर पहुंची। पूरी सुरक्षा के साथ इन सभी को उदयपुर लाया गया, जहां इन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अन्य मरीज उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से सामने आए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार स्क्रीनिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकने की जद्दोजहद में जुटा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के इस काल के बीच सुखद खबर ये रही कि आज एक और ट्रेन उदयपुर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 1434 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर उनके गृह जिलों तक भेजा। इस मौके पर पूर्व सांसद और कांग्रेस CWC के मेंबर रघुवीर मीणा भी प्रवासी मजदूरों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। और अब जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बताने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कोहराम के बीच कर्फ्यू और लॉकडाउन के हालात के चलते एक और जहां पुलिस प्रशासन की टीमें पूरी तरह स्थिर हैं, वहीं अब हालात सामान्य होने लगे हैं। लोगों को जो निर्धारित समय दिया गया उसमें लोग घरों से बाहर निकल के खरीदारी भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर श्रमिकों की बात करें तो उनको उनके गंतव्य पर भिजवाया भी जा रहा है। फैक्ट्रियों की बात करें तो जोधपुर के बुरंडा इलाके में जब फैक्ट्रियों की ग्राउंड रिपोर्ट की खोजने की कोशिश की गई तो उसमें यही तस्वीर सामने आई कि लगभग 1200 कंटेनर अटके हुए हैं। जो निर्यात के ऑर्डर हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों को मिले हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे क्योंकि मजदूर नहीं है। मजदूर हैं तो भी बहुत इन्हें गुने मजदूर हैं, ऐसे में न तो ऑर्डर पूरे किए जा सकते। साथ ही कुछ स्तर पर फैक्ट्रियां चालू हो गई है मगर उनमें सिर्फ सफाई संबंधी ही काम चल रहा है। फिलहाल प्रोडक्शन जैसी बात कहें तो वो शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग है, वहाँ पर जरूर काम शुरू हो गया है। जो
हैंडीकॉप एक्सपोर्टर ललित सुराना और पंकज सुराना का साफ तौर पर कहना है कि अभी जिंदगी पटरी पर आने में वक्त लगेगा, जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे, कोरोना का असर कम होगा, कोरोना खत्म होगा, तब कहीं जाकर के ये जो धुंधली तस्वीर है वो पूरी तरह साफ हो पाएगी। इस वक्त अगर बोरेंडा इलाके की बात करें तो खूब सारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से काफी खुली है, लेकिन जो खुली है उसके अंदर मजदूरों की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। और बीकानेर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी संजय पारिक का। बीकानेर में कल देर रात्रि को 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद आज राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। आज 117 मरीजों की कोरोना सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। यहां पर कर्फ्यू की सख्ती से पालना के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद है। तो वहीं आज बीकानेर जिले के छतरगढ़ में पेयजल किल्लत से आक्रोशित ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। छत्तरगढ़ के वार्ड नंबर 9 के इन ग्रामीणों का कहना था कि गत 15 दिनों से वे पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, जलदाय विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर उपखंड अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। उपखंड अधिकारी के समझाइश और आश्वासन के बाद ये ग्रामीण पानी की टंकी से नीचे उतरे। तो वहीं इधर कृषक कल्याण सुलभ के विरोध में 12 दिनों से बीकानेर जिले की अनाज मंडियां भी बंद है। आज बीकानेर अनाज मंडी में व्यापारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। कृषक कल्याण सुलभ के विरोध में इन व्यापारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं जानकारी देने के लिए। खबरें अभी और भी हैं। ब्रेक के वाले पर फिर से आप सभी का स्वागत है। नागौर में हरिकिशन बिड़ियासर का निधन हो गया। 85 वर्षीय बिड़ियासर ने पैतृक गांव खिनियाला में आखिरी सांस ली और इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खिनियाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बिड़ियासर किसान नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी के बहनोई थी और वहीं हरिकिशन बिड़ियासर के बेटे गणपत राम कर विभाग में अधिकारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान देकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि टिड्डी दलों के हमले के साथ साथ प्रदेश में आंधी तूफान, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने कृषि जिंसों पर जो 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया है वो गलत है। राजे का कहना है कि सरकार को फसल खराबे का उचित मुआवजा, अतिरिक्त 2% टैक्स को वापस करने और कम से कम 3 महीने तक के लिए बिजली बिल माफ करने चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और लगातार जो मौसम में बदलाव आ रहा है और किसानों की जो फसलें चौपट हो रही हैं उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कोरोना महामारी के बीच अपने विधानसभा नाथद्वारा क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज अपने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के कालीवास, शिशवी और लाल मादड़ी पंचायत के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉलिंग के जरिए संवाद करते नजर आए और डॉक्टर जोशी ने ग्रामीण लोगों और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि राज्य सरकार और भामाशाह की मदद से जो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। राजस्थान में कोरोना महामारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर हमला बोला और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेकर राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को सवालों के घेरे में खड़ा किया। किया था कि आपने प्रवासी राजस्थानियों को लाने की दृष्टि से जो अगुवाई की और जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि जिस गति से राजस्थान में प्रवासियों को लेकर ट्रेनें आ रही है उस गति को आप तुरंत बढ़ाएं, नहीं तो ये प्रवासी राजस्थानी नहीं आ पाएंगे और नहीं आएंगे तो फिर इनको जो भी साधन मिलेगा उससे आएंगे, चाहे पैदल भी चलना पड़ेगा तो वो आएंगे। तो एक तो यह है कि हमारी ट्रेनों की जो संख्या है बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है, उसको तुरंत बढ़ाएं।
लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं माउंट आबू में इन दिनों जंगली जीव सड़कों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक नजारा माउंट आबू के संत सरोवर के पास दिखाई दिया, जिसमें एक मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ सड़क पर चहलकदमी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ये मादा भालू अपने बच्चों के साथ टहलती नजर आई। जैसलमेर के लोगों का रविवार को इस मौसम में पहली बार रेतीले बवंडर का सामना हुआ और गर्मी बढ़ने के साथ ही दो तीन दिनों से हल्की आंधियों का दौर तो चला ही था, लेकिन आज दोपहर को आए बवंडर से उठे धूल के गुबार ने पूरे जैसलमेर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं तेज आंधी के कारण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनार दुर्ग के पहले पोल का एक दरवाजा भी गिर गया और तेज रफ्तार से चली आंधियों ने जैसलमेर में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया।